वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो सीरीज चल रहा है, टीएस ऑफ एंथर के बारे में हम लोगों ने देखा था। आज का जो हमारा टॉपिक है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। राइट, क्या होता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मींस फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। राइट, जेनेसिस का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन। और किसका फॉर्मेशन? माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन। माइक्रोस्पोर को ही मैच्योर फॉर्म में पॉलन ग्रेन कहा जाता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है कि एक होता है पोलन मदर सेल, ठीक है, जो एक डिप्लॉइड सेल है, इसका जो 2n लेवल होता है, ये डिवाइड करके 4 जो है वो माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करता है, माइक्रोस्पोर बनाता है। जनरली यही होता है, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब पोलन मदर सेल और इनकम से दिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोर मदर सेल। राइट, माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल डिवाइड करके 4 माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करेगा, या से कि 4 पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन करेगा, इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन है। ये जरूरी नहीं है कि हर जगह पे 4 ही माइक्रोस्पोर बनेंगे, जनरली 4 ही माइक्रोस्पोर बनता है, पर कुछ कुछ केस ऐसे हैं जहां पे 4 से ज्यादा माइक्रोस्पोर स्पोर भी बनते हैं और 4 से कम भी बनते हैं। ठीक है, तो कुछ एक्सेप्शन है जो जिसे कभी कभी क्वेश्चन आने का चांसेस होता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस तो उसके बारे में हम बताते हैं। इस प्रोसेस को तो हमने क्या बोला? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, राइट। सो ऑलवेज पोलन मदर सेल विल प्रोड्यूस 4 माइक्रोस्पोर। ठीक है, लेकिन एक एग्जांपल दे रहे हैं, प्लांट का फैमिली है, प्लांट फैमिली है, उसका नाम है साइप्रेसी। ठीक है, प्लांट फैमिली है, उसका नाम है साइप्रेसी। इस फैमिली के अंदर में क्या होता है कि ये जो पोलन मदर सेल होता है, ये मियोसिस करके 4 न्यूक्लियस बनाता है। राइट, जिसमें से कि 3 न्यूक्लियस जो होते हैं वो डीजेनरेट कर जाते हैं। राइट, 3 न्यूक्लियस जो होते हैं वो डीजेनरेट हो जाते हैं, जो रिमेनिंग 1 न्यूक्लियस होता है वो क्या करता है? पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन करेगा, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करेगा, देन माइक्रोस्पोर कन्वर्टेड इट टू द मैच्योर फॉर्म, दैट इज कॉल्ड पोलन ग्रेन। तो साइप्रेसी फैमिली की बात करते हो तो साइप्रेसी फैमिली में ओनली पीएमसी जो है, पोलन मदर सेल जो है, वो सिर्फ एक ही माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करेगा, एक ही माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करेगा। राइट, ठीक। दूसरा एक अलग तरह का केस मैं दिखाता हूं। एक पौधा होता है जिसका नाम होता है कस्क्यूटर। कस्क्यूटर का नाम आपने सुना होगा। कस्क्यूटर में बच्चों एक कंडीशन पाया जाता है जिसका नाम होता है पोलियोस्पोरी। कस्क्यूटर में कौन सा कंडीशन होता है? कभी भी पूछेगा कि पोलियोस्पोरी का एग्जाम्पल कौन है, तो याद रखिएगा कस्क्यूटर नाम का एक पौधा होता है, पोलियोस्पोरी। पॉली मतलब बहुत सारा और स्पोरी मतलब स्पोर, यानी कि कस्क्यूटा एक ऐसा पौधा है जिसमें मोर देन 4 पोलन ग्रेन बन जाते हैं, है ना। यानी कि अगर एक जो है वो पीएमसी है, पोलन मदर सेल है, वो डिवाइड करके मोर देन 4, हाउ मेनी मोर देन 4 माइक्रोस्पोर बनाए, स्पोर बनाए, तो दैट इज कॉल्ड द पॉलीस्पोरी। इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीस्पोरी। जो कि कंडीशन कहां पाया जाएगा? कस्क्यूटा में। यहां पे मोनोस्पोरी हो गया, पॉलीस्पोरी कंडीशन हो गया। जनरली 4 बनाए जाते हैं, लेकिन इस तरह के कुछ कंडीशन, एबनॉर्मल कंडीशन नेचर में देखने को कुछ कुछ पौधों में मिलता है, तो ये सब एक्सेप्शन में है और इनसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए दो बात को ध्यान रखेंगे। अब हम बात करते हैं कि जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस होती है बच्चों, ये होती कैसे है।
सवाल ये है कि जो माइक्रोस्पोर, तो आप समझिए माइक्रोस्पोर जो होता है वो हैप्लॉइड होता है, राइट, और ये डिप्लॉइड है, यानी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की जो प्रोसेस है दैट इज अ प्रोसेस ऑफ मियोसिस, राइट। ये कैसा प्रोसेस है? मियोसिस से लिख देना, दैट इज अ प्रोसेस ऑफ मियोसिस। हम लोग सभी जानते हैं कि मियोसिस सेल डिवीजन में अ डिप्लॉइड सेल विल प्रोड्यूस फोर हैप्लॉइड सेल, राइट, डिप्लॉइड सेल विल प्रोड्यूस फोर हैप्लॉइड सेल, राइट। मियोसिस में फोर हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, यहां पे भी फोर, लेकिन उससे पहले कि चार न्यूक्लियस बनेंगे, फिर चार साइटोकाइनेसिस होगा, चार सेल का फॉर्मेशन होगा। यहां पर क्या हुआ, चार न्यूक्लियस बना जिसमें तीन डीजेनरेट कर गए। ऐसा मेल के केस में नहीं होता है, ऐसा फीमेल के केस में होता है कि थ्री बिकम डीजेनरेट, पर यहां एक एबनॉर्मल केस दिखाई दे रहा है पॉलन ग्रेन्स बनते समय। पॉलन ग्रेन माइक्रो मतलब हमने पहले बता चुका, माइक्रो समथिंग रिलेटेड टू मेल, मेगा फीमेल, माइक्रो गैमेट है या माइक्रोस्पोर है तो ये मेल से रिलेटेड है, मेगा स्पोर है, मेगा गैमेट है, ऐसा कुछ वर्ड आ रहा है, तो मेगा वर्ड हमेशा जो है वो जनरली इस्तेमाल करते हैं हम लोग फीमेल के लिए, बिकॉज गैमेट को देख लो चाहे स्पोर को देख लो, फीमेल का कंपैरेटिवली मेल से बड़ा होता है, तो मेगा मतलब बड़ा, राइट, ग्रेटर। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि जो जिसको आप बोल रहे हो वो पीएमसी है ना, हम यहां पे ले रहे हैं पीएमसी, जिसको आप बोलते हो पोलन मदर सेल, या इसी का नाम हो गया माइक्रोस्पोर मदर सेल, एमएमसी, ठीक है। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है, ये डिवाइड करके क्या करेगा, जरा इसको हम इसको हटाते हैं, उसके बाद फिर बनाते हैं दोबारा, ठीक है। देखिए, एक होता है, एक हो गया आपका जाकर के पीएमसी, ठीक है, या इसको आपने बोल दिया एमएमसी, राइट, ये आपका हो गया, ठीक है, ये आपका न्यूक्लियस हो गया इसका, ठीक है, ये पोलन मदर सेल है, ये सबसे पहले क्या करेगा, मियोसिस करेगा, है ना, मियोसिस जानते हो आपको, मियोसिस वन मियोसिस टू डबल स्टेप का प्रोसेस है, तो मियोसिस का हो गया प्रोसेस, राइट। तो ये मियोसिस करने के बाद एक बनाएगा टेट्राड बनाएगा, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड, ठीक है, इसके अंदर में एक दो तीन चार, चार न्यूक्लियस हो गए, ठीक है, चार न्यूक्लियस हो गए, बीच बीच में ऐसे वॉल बना हुआ है, इसको बोलते हैं कैलोज वॉल, इसको हम लोग क्या, नॉट सेलुलोज, सेलुलोज अलग चीज होता है और कैलोज अलग चीज होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं कैलोज वॉल, ठीक है। तो ये कैलोज वॉल जो होता है ये माइक्रोस्पोर, इसको हमने बोला माइक्रोस्पोर टेट्राड, माइक्रोस्पोर टेट्राड, राइट। अब ये इमैच्योर कंडीशन में है तब इसको माइक्रोस्पोर बोल रहे हैं, फिर ये चारों माइक्रोस्पोर जो होता है वो अलग हो जाएंगे, है ना, और चार पोलन ग्रेन का प्रोड्यूस फॉर्मेशन करेगा, इस तरीके से चार जो है वो आपके माइक्रोस्पोर बन गए, ठीक है, समझ में आया। अब जब ये फुल्ली मैच्योर्ड हो जाएगा तो इसके ऊपर में कुछ लेयर लग जाते हैं, इसके अंदर में भी कुछ सेल होते हैं, वेजिटेटिव सेल, जेनेटिव सेल, तो वो तो तब की बात है जब हम लोग इसके माइक्रोस्पोर का डिटेल स्टडी करेंगे तब। तो ये एक सिंपल सी प्रोसेस है जिसमें कि एक पोलन मदर सेल से चार पोलन ग्रेन्स बन जाते हैं, चार माइक्रोस्पोर का प्रोडक्शन हुआ, ठीक। एक चीज और समझिए, जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है यहां पे हमने बताया है सीधे सीधे, है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर टेट्राड, लीनियर टेट्राड, ठीक है, ये क्या होंगे, लीनियर टेट्राड। एक्चुअल में क्या होता है, जो टेट्राड होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, जो माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है, पहले क्या होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस की सेल डिवीजन होती है, मियोसिस डिवीजन होती है और वो टेट्राड का फॉर्मेशन करेगा। तो ये जो टेट्राड बना है ये अलग अलग तरह के टेट्राड हो सकते हैं, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट जो है आपको याद रखना है, एग्जाम में आने की संभावना होती है तो मैं बता दे रहा हूं। एक होता है आइसोबाइलेटरल, ठीक है, आइसोबाइलेटरल टेट्राड क्या होता है, जैसे देखो ये एक यहां पे इस तरीके से, देखो
ये हो गया, ये एक टेट्राड हो गया। अब इसमें तीन दिखाई दे रहा है न्यूक्लियस, एक पीछे की साइड में है, यानी थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर मैं इसका दिखा नहीं सकता, बोर्ड टू डायमेंशन में है ना, तो इसके एक पीछे साइड में है जो छिपा हुआ है, तो आपको नहीं दिखाई दे रहा है। तो थ्री डायमेंशन आगे से अगर आप टू डायमेंशन में देखोगे तो ऐसा ही दिखाई देगा, ठीक है, बोर्ड पे आप इसको ऐसे ही बना सकते हो। एक आपको इमेजिन करके चलना है कि एक फोर्थ नंबर वाला जो है वो पीछे पीछे की साइड, यानी समथिंग लाइक स्फेरिकल टाइप के स्ट्रक्चर कुछ अपीयर होता है, ठीक है। एक होता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ठीक है, दिस इज कॉल्ड, ये हो गया तीन सेल हो गया, ठीक है, फिर एक इस तरीके से हो जाएगा, है ना, यहां से ऐसे कटेगा, यहां से ऐसे कटेगा, ये एक न्यूक्लियस हो गया, एक न्यूक्लियस हो गया, एक न्यूक्लियस हो गया, एक न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। अब ये सब का अलग अलग नाम है ना, इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल टेट्राड, टेट्राहेड्रल, इसको हम लोग बोलते हैं आइसो बाइलेटरल, आइसो बाइलेटरल टेट्राड बोलते हैं इसको, ठीक है। एक होता है आपका जैसे इस तरीके से हो जाएगा, यहां पे दो न्यूक्लियस रहेंगे, ठीक है, और ये कुछ टी शेप का स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है, तो इसको बोलते हैं टी शेप्ड शेप टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। उसके बाद फिर हम लोग बोलते हैं एक हो गया आपका जाकर के लीनियर टेट्राहेड्रल, लीनियर टेट्राहेड्रल, ठीक है, और भी कुछ होते हैं डेसिकेट वगैरह, लेकिन आपको ये चार जो है वो मेनली फॉलो करना है, चार जो चार के बारे में आप याद रखेंगे कि चार तरह के जो टेट्राड होते हैं, टेट्राहेड्रल हो गया, आइसोबाइलेट्रल हो गया, टी शेप स्ट्रक्चर बन गया, टी शेप टेट्राड बोल दिए, लीनियर टेट्राड बोल दिए। तो टेट्राड के डिफरेंट टाइप होते हैं, है ना, जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होगा वो डायरेक्ट माइक्रोस्पोर में कन्वर्ट नहीं होगा, पहले माइक्रोस्पोर टेट्राड बनेगा, ये सब कैलोज के बॉल डिपोजिटेड है उसके सेलोज सेलोजिक मटेरियल के ऊपर में डिपोजिट हो गया है कैलोज के बॉल, ये प्रोटेक्टिव नेचर का होता है, ठीक है, वाटर के लिए को पास करने से मूव अंदर रोकता है, ठीक है। और जब पोलन ग्रेन्स बनेगा तो इसके ऊपर में काफी सारे चीजें और भी डेवलप करते हैं, स्पोरोपोलिन वगैरह सब आएगा, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो इतने तरह के टेट्राड होते हैं, समझ में आया। तो अगर आपसे कोई पूछे, जैसे मान लीजिए मैं एक एमसीक्यू क्वेश्चन फॉर्मेट करता हूं, ठीक है, कि हाउ मेनी माइटोसिस एंड मियोसिस सेल डिवीजन इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फोर माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। तो इसमें मियोसिस कितना हुआ है, एक मियोसिस हुआ है, और माइटोसिस कितना हुआ है, जीरो, ठीक है, समझ में आया कि नहीं। तो इस तरीके से क्वेश्चन हो गया, लेकिन अगर हम इसी क्वेश्चन को मेगास्पोर के केस में ले जाएंगे, है ना, फीमेल गैमेटोफाइट के लिए ले जाएंगे तो और भी चीज होगा। अभी देखिए, अब इसके अंदर में पोलन ग्रेन होगा, तो पोलन ग्रेन जो होता है वो, ये तो मैं बता दिया माइक्रोस्पोर टेट्राड बना, अभी अगर ये मैच्योर पोलन ग्रेन बोलेगा तो मैच्योर पोलन ग्रेन तो इसमें भी डिविजन हो जाएगा। फिर अभी और देखिए, अभी ये क्वेश्चन को अभी और अगर इस तरीके से फॉर्मेट कर दिया मैच्योर पोलन ग्रेन, तो ये भी डिवाइड कर जाएगा फर्दर, इसके अंदर में एक वेजिटेटिव सेल बड़ा सा बन जाएगा, जेनेटिव सेल, तो फिर एक माइटोसिस भी हो गया अंदर ही अंदर, और एक मियोसिस भी हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन तो कैसे भी फॉर्मेट हो सकते हैं, हम दो चार क्वेश्चन को बना करके आगे देखेंगे, है ना, फर्दर क्लासेस जो आने वाले हैं आगे, उसमें हम लोग आगे क्वेश्चन भी कुछ फॉर्मेट कर लेंगे और उसका आंसर भी देखेंगे। अगला क्लास में जो है हम लोग पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसके ऊपर में एग्जाइम होता है, इंटाइम होता है, जर्म पोर होते हैं, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन कैसे होता है, जेनरेटिव सेल क्या होता है, वेजिटेटिव सेल्स क्या होता है, ठीक है, पोलन ग्रेन का पूरा स्ट्रक्चर, राइट। फिर हम लोग माइक्रो गैमेटोजेनेसिस देखेंगे आगे, फिर हम लोग, ये तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो गया, माइक्रोस्पोर बना, अब इसके अंदर में मेल गैमेट बनेगा, दैट इज कॉल्ड माइक्रो गैमेटोजेनेसिस। फिर हम लोग उसी प्रकार से मेगास्पोरोजेनेसिस देखेंगे, फिर मेगा गैमेटोजेनेसिस देखेंगे। तो आगे की वीडियो में सब चीज बात होगी, बने रहिए वीडियो के अंत तक।
और सारे वीडियो को सीरीज से आप देखते जाइए तो बहुत कुछ सीख पाएंगे, हर चीजों को डिस्कस भी करेंगे। हम लोग एमसीक्यूज भी फॉर्मेट करते रहेंगे बीच बीच में, और हर तरह की चीज जो भी संभव प्रयास होगा हमारा आपके लिए मैं करता रहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।